अच्छा जी, चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको 3D भी कहते हैं। नॉर्मली अभी तक जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में की ना, उसमें क्या होता था, टू पॉइंट्स आर देयर, ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, बट एज वी आर डीलिंग विद स्पेस, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू कम रिसर्च, डू द रिसर्च वर्क इन स्पेस। स्पेस मीन्स 3D में, जैसे ये चौक है, अगर मैं चौक को ब्लैक बोर्ड पे रिप्रेजेंट करती ऐसे, तो दिस इज 2D, बिकॉज दिस इज वन प्लेन वेयर देयर इज वन एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट इफ दिस चौक इज इन स्पेस, स्पेस मीन्स एयर में, यहाँ पर स्पेस डजंट मीन्स कि हमने जो है स्काई में जाके स्पेस चेक करना है, ये जो 3D में जितने मॉलिक्यूल्स सारे घूम रहे हैं हमारे आसपास, एयर मॉलिक्यूल्स जिसको आप कहते हैं, वो 3D में मूव करते हैं, तो ये स्पेस में है। क्यों? इस पॉइंट पे मूव पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे? सबसे पहले मान लीजिए मेरा वो डोर कॉर्नर, वहां ओरिजिन है, पहले मैं नीचे से एक्स एक्सिस पे आऊंगी इधर से, फिर मैं नीचे ही नीचे को ऐसे मूव करूंगी, आगे को वाई एक्सिस, फिर ऊपर को जेड एक्सिस, हाइट को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। तो ये अपने आप क्या हो गया मेरे पास, 3D में ऑब्जेक्ट आ गया, किसमें आ गया, 3D में। ओके बेटा, तो मेरे पास जब भी 3D की बात होती है, क्योंकि आगे आप जब करोगे प्लस टू में या फिजिक्स में, आप पैराबोला की बात करते हो, यू थ्रो द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, आप किस में बात करते हो, 3D में बात ही करते हो। अभी आपको वो कह देते हैं पैराबोला को ड्रॉ करना है बेटा जी, ये ड्रॉ कर दो, बस करते हैं ना हम लोग, और बेसिक क्यों, क्योंकि अगर वो मूव भी कर रहा है, यू ओनली डील विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओनली, दैट्स व्हाई वहां पर जब आप फिजिक्स में बात करते हो, आप वाई पॉइंट को लिखते हो ना, तो आई थिंक आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा लाइक दिस, समटाइम यू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, करते हो कि नहीं, कुछ भी मेरे पास हो, कई बार ऐसे भी लिखते हो कि ये पॉइंट है, ये एक्स ये वाई, जितना को मुझे याद है ना, कि यू रिप्रेजेंट एक्स विद आर कॉस थीटा एंड वाई विद आर साइन थीटा, इसीलिए किसी भी पॉइंट को लिखना है, सपोज जेड से लिखते हो तो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा लाइक यू रिप्रेजेंट, यू ऑलवेज डील विद 2D देयर, बट जब 3D की बात आती है, मीन्स 3D की बात आती है, अब उसमें कैसा, आप 2D बनाते हो, आप कहते हो 2D में यू ऑलवेज राइट लाइक दिस, कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, आपने क्वाड्रेंट्स डिवाइड किए होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एम आई राइट, ऐसे ही करते हो। अब मेरे पास फोर, जब वन स्टूडेंट केम हियर, ध्रुव इधर आओ बेटा, इस बुक को पकड़ो ऐसे, वेट इसको छोड़ो, नीचे से छोड़िए, हाँ जी इधर पकड़ी, अब ये देखिए मेरे पास, आपको देखने में लग रहा है कि मैम ये 4 ही बन रहे, अगर आप देखो ओरिजिन यहां सेंटर पे होगा, कहीं पे सेंटर पे होगा, तो 4 आगे को नजर आ रहे हैं, 4 पीछे को नजर आ, आपको आएंगे ना, है ना, क्योंकि यहां पर कहीं ओरिजिन होगा मेरे पास, डिवाइड होगा पूरा, तो मेरे पास जो है ये पूरा, क्योंकि जेड के भी तो 2 आएंगे, एक पॉजिटिव वाली साइड एक नेगेटिव वाली साइड, तो ये सारा इसमें आपको पॉइंट, बेटा सीधा रखो इसको सीधा, ये ऐसे बिल्कुल, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ओके दिस इज एक्स एक्सिस, अब मेरे पास जो है ये वाई एक्सिस, अब जेड मेरे पास जो इसको डिवाइड कर रहा है, अब मैं वो यहां पर, ठीक है ना, पूरा हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट मी शो यू ऑन द ब्लैक बोर्ड, थैंक यू बेटा, तो मेरे पास हो गए, यहां पर जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो आई विल ड्रॉ लाइक दिस, एनी पॉइंट इन 3D व्हेनेवर आई रिप्रेजेंट एक्स वाई एंड वी विल शो जेड लाइक दिस, है ना, इधर को अगर एक्स पॉजिटिव है तो इधर को क्या होगा, नेगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या क्या होगा, नेगेटिव, अब आपको लग रहा है कि ये नीचे है, बेसिकली ये इधर है, दिस जेड पॉइंट इज हियर, इधर को पॉजिटिव है
तो ब्लैकबोर्ड के अंदर घुस नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ना, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है इसके, अब मैं इसको ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकती ना, आपको वो समझ नहीं आएगी। इमेजिन कर रहे हो ना, समझ आई मेरी बात? ओके, क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक बुक से सारा आपको क्लियर हो गया था। फोर उसके पार्ट फ्रंट की साइड पे है, फोर पीछे है, तो मेरे पास 8 क्वाड्रेंट्स हो गए। ओके, आई एम हैविंग टोटल 8 क्वाड्रेंट। ओके जी, क्योंकि जेड को मैंने इंक्लूड कर दिया। अब बेटा मेरे पास जो गए, अगर हम देखें, जैसे मेरे पास जो थे, हम लेते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2D की बात करें, व्हेन वी डील विद 2D, हम कहते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या कहते थे, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, फिर अगले क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते थे, नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ही। हमारे पास आपकी बुक पे देखिए 270 पेज पे मेरे पास टेबल फॉर्म दी हुई है ना, कि कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव। जस्ट इमेजिन करो, अभी जो मैंने बुक का ऐसे आपको करके दिखाया था, फोर फ्रंट पार्ट है, फोर बैक में है, तो इमेजिन करना पीछे जेड एक्सिस बैक है, आप इमेजिन कर सकते हो। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप इस रूम के कॉर्नर को देखिए, यू सी द जो है कॉर्नर ऑफ द रूम, उसमें एक्स इधर पॉजिटिव है ना, और जो है इधर को क्या है, नेगेटिव, या इधर को पॉजिटिव ले लो, उधर मेरे पास जो है उस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपने इमेजिन करना, जिस तरफ एक्स पॉजिटिव लोगे वहां से स्टार्ट करना है, वाई भी वहां पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, तो जेड देखना, वहां से अकॉर्डिंगली मूव करना है, लो जैसे मर्जी बट अकॉर्डिंगली मूव, फिर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो आपको देखना है कैसे मूव करना, क्लियर? तो आई विल स्टार्ट नाउ। हाँ जी, मेरे पास जो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको पता चल गया कि 8 क्वाड्रेंट बनते हैं, हाँ जी। नाउ आई एम टेलिंग यू एक्स वाई जेड, अब मैंने कैसे लर्न किया हुआ है देखना ध्यान से, पहले सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, अभी जो बुक मैंने ऐसे डिवाइड करके बिताई थी, अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूं, इधर से स्टार्ट किया, इधर एक्स भी पॉजिटिव था, y ऊपर भी पॉजिटिव था, और z बाहर को था, वो भी क्या था, पॉजिटिव, x y z पॉजिटिव। अब मैंने किधर मूव करना है, किस तरफ को, इधर x क्या हो गई थी, नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव, बाकी दोनों तो क्या थे, पॉजिटिव ही थे ना। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, अब अगले में जाऊंगी, जब मैं अगले में जाऊंगी तो आप देखिए मेरे पास जो है एक्स नेगेटिव, मैं मूव कर रही हूं एक्स नेगेटिव, फिर वाई मेरे पास जो है नेगेटिव, और जेड पॉजिटिव, पहले एक नेगेटिव फिर दो नेगेटिव, तीनों नेगेटिव नहीं लेने, वो तो बिल्कुल पीछे जाके आएंगे। अब फिर यहां एक्स नेगेटिव था ना, अब अगली बारी क्या हो जाएगा, अकेला वाई नेगेटिव, तो मेरे पास, हां जी, इसी ऑर्डर में याद करना है, आप ऑर्डर क्वाड्रेंट का चेंज नहीं कर सकते। 2D में हम सीक्वेंस वाइज चलते थे ना, कि पहले इधर फिर सेकंड पे, तभी मैंने आपको ये बुक डिवाइड करके बताई, और इमेजिन कीजिए मूव करना है अपने ऐसे, तो वहां से आपको क्लियर कट पता है। मैंने तो टेबल बनाते हुए ऐसे लर्न किया हुआ है, पहले सारे पॉजिटिव, पहला नेगेटिव, अगले दो नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव, फिर दो नेगेटिव बनाने, आई लर्न लाइक दिस, पहले में एक्स नेगेटिव, फिर अगले में वाई नेगेटिव चलेगा मेरा यहां पर, क्योंकि दो नेगेटिव तो हो गए ना। ओके, हाँ जी बेटा, मूव इधर को कर रहे हैं, पीछे को, इधर को, तो यहां पर जो है इधर को क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है जी। अब बेटा मेरे पास हुए प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव, वो चीज हो गई। अगला मेरे पास जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो वाई नेगेटिव, क्योंकि यहाँ एक्स नेगेटिव लिया, बाकी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अब फिफ्थ में यहाँ पर जेड नेगेटिव, ये आपको अपने अकॉर्डिंगली ही लर्न करना है बेटा, जैसे मर्जी, अगर आपको इमेजिनेशन नहीं होती है तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास सिक्स्थ में बेटा आप पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सेकंड में और सेवेंथ में
अब लास्ट मेरे पास हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव मेजर, ओके। ये आपको सीक्वेंस लर्न करना ही पड़ेगा। क्यों? वन नंबर का मैं क्वेश्चन डाल दूं, लास्ट नेम अनूर, हाँ जी मेरे पास हो गए। अगर ये पॉइंट दे रही हो ऐसे, मैं पूछूं लाइज इन विच क्वाड्रेंट, अगर आपको ये क्वाड्रेंट ही नहीं पता, जेड नेगेटिव मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आपको बस फिफ्थ क्वाड्रेंट दिखता है और कुछ नहीं है। पहली एक्सरसाइज में यही चीज है, ओके। अब सारे फॉर्मूले जो आपने टेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए थे, ऑल आर एप्लीकेबल हियर, बट ओनली द जेड टर्म विल बी एडेड। व्हाट इज दैट? इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अच्छा वहां पर आप कहते थे एक्स को ऑफ सीसा, पी को मैं बता रही हूँ, वही बता दे रही हूँ। हाँ जी, मेरे पास जो मैं आपको बता रही थी कि वहां पर पॉइंट में सीसा और हम बात करते थे कि कोऑर्डिनेट का जो पूरे पॉइंट को कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हम कहते हैं पहला एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस, दूसरा वाई एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट करता है, तीसरा जेड एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट, नथिंग एल्स। काम क्यों नहीं आया? आपने पेपर नहीं ना दिया टेंथ के? हाँ बिल्कुल यूज होता था वहां जब हम कहते थे, मान लीजिए इवन इन एट क्लास आल्सो वी टेल द स्टूडेंट अब सीसा इज ट्वाइस कोऑर्डिनेट, तो यूज होता है। आपने नहीं यूज किया तो वो आपका लग गया ना बेटा। चलो ना बेटा प्लीज, दैट मींस एनी जनरल पॉइंट इन द 3D इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड, ओके जी क्लियर। अब बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, व्हेन द पॉइंट इज इन थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री या इन 3D, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वन पॉइंट इज x1 कॉमा y1 कॉमा z1 एंड द अदर पॉइंट इज x2 y2 z2, सेम फॉर्मूला आप 2D में कैसे लगाते थे? अंडर रूट, you apply suppose this is a, this is b, and you are using distance between AB, so that is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, z add kar do na yahan pe bhi, z2 minus z1 square, okay, clear to everyone, koi problem to nahi, chale honge, ठीक है जी, समझ आ गया। अब जरा एक दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाते हैं। लेट द पॉइंट बी 2, 3, -4 एंड द पॉइंट बी, आर यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स 0, 2, -3, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। Calculate the distance between these two points. Let me check. Root 6. Sure? Yes, ma'am. And the beta. अब बेटा सेम व्हाट वी हैव टू डू हियर, सेक्शन फॉर्मूला, जैसे वहां पर सेक्शन फॉर्मूला याद है? Yes, no, yes, क्या करते थे? मैंने सेक्शन फॉर्मूला पूछा नहीं, मैंने ये पूछा कि सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई होता था, क्या यस व्हेन टू पॉइंट्स आर डिवाइडेड बाय 1:1 एंड व्हाट वी कैलकुलेट। मान लीजिए वो उसको डिवाइड करता था m रेशियो m, अब रेशियो कभी 3D में नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होना, रेशियो कभी 3D में
नहीं, रेशियो तो दो ही सेक्शन में होती है, हम कई बार लिखते हैं एम रेशियो एंड जब हम थ्री टर्म्स लेते हैं, यहाँ तो एक सिंगल पॉइंट है तो पॉइंट मेरे पास जो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ओनली टू टर्म्स की रेशियो ही आती है। थ्री वाली रेशियो तब आती है जब थ्री चीजों को कंसिडर कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ रेशियो। ओके क्लियर। अब मेरे पास हो, मान लीजिए मैंने ये सी कैलकुलेट कर दी, दिस पॉइंट इज एक्स वन वाई वन जेड वन, और मेरे पास हो गए दिस पॉइंट इज एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, ऑब्वियस है दिस पॉइंट इज एक्स वाई कॉमा जेड। अब मैंने अगर ये पॉइंट कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल वही मेथड, एम इंटू एक्स टू एन इंटू एक्स वन, रिवर्स चलता है ना, क्रॉस चलता होता है, तो आई हैव टू राइट सी कोऑर्डिनेट या एक्स इज इक्वल टू जैसे मर्जी लिख लीजिए, है ना, सी कोऑर्डिनेट सीधा ही चलो लिख देते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन कॉमा एम, अब एक्स टू लिया क्या लेंगे वाई वाला, वाई टू प्लस एन वाई वन ओवर एम प्लस एन कॉमा, मेरे पास हो गए That is m z2 plus n z1 over m plus 1 m plus n, सिर्फ यही ऐड हुआ बस, फॉर्मूला वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, पूरा का पूरा चैप्टर टेंथ वाला ही है, ठीक के मार्क्स है इस चैप्टर। ओके नाउ एक बिफोर डूइंग द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज लेट अस सी वन मोर थिंग, जब हम 2D में बात करते थे एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो आप कैसा लेते थे, एक्स कॉमा जीरो लेते थे, अब यहां पर भी इफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो बेटा मेरे पास हो गए एक्स कॉमा जीरो, ओके एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जीरो बाई जीरो, एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, अच्छा ये तो हो गए, अगर मैं कहती कि एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि वहां पर जेड नहीं है, अब एक्स वाई प्लेन बोल दिया, एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स और वाई है, ये जेड वाले पर पॉइंट आना ही नहीं, वो भी बताती हूँ, ठीक है वो प्लेन हो जाता है, पॉइंट कभी पैरेलल नहीं होता किसी भी एक्सिस के, एक पॉइंट कभी पैरेलल नहीं होता, वो लाइन होती है ना, तो अगर इसके पैरेलल कोई भी लिखना है तो ऑब्वियस है मेरे पास ये कोऑर्डिनेट मिस होगा, इफ आई वांट टू राइट एनी पॉइंट दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस को तो मैं क्या लिखूंगी, वाई जीरो मिस हो जाएगा, बाकी दोनों कुछ ना कुछ होंगे, पैरेलल की बात करें She is talking about parallel. बेटा यहाँ पर parallel इसके parallel है मेरे पास, ये तो miss हो गया ना, any point मैं तभी कह रही हूँ, उसने question wrong डाला मुझे, पूछा है कि मैंने कहा कि point कभी भी किसी line के parallel नहीं होता, क्योंकि एक point से तो हजारों lines निकलती है, तो that's why मैंने पहले टोक दिया उसको कि ये सही नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है ये नहीं है मेरे पास प्लेन के पैरेलल हो सकता है, हम लाइन या प्लेन लेते हैं वो हम प्लस टू में करवाते हैं, बट फिलहाल अगर ये मान लीजिए मेरे पास प्लेन है, इसमें दो चीजें होंगी एक्स और वाई, वो दोनों मिसिंग होनी चाहिए, वो दोनों मिसिंग, उसका क्वेश्चन गलत था, अगर मैं इस लाइन इस प्लेन के पैरेलल कोई लिख दूं इधर, यानी ना वहां जेड होना चाहिए, अगर ये एक्स और वाई है सपोज मैंने इसके पैरेलल लिखना है, यहां होगा तो वो दो चीजें होंगी होंगी, क्योंकि वो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसने क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछे, वो बेसिकली मैंने पहले ही बोला कि प्लेन या लाइन पैरेलल होती है, प्लेन और लाइन, आप बेटा अगर इसके पैरेलल लिखना है तो वो आप अगर z एक्सिस में हुआ सपोज आपके पास इधर z एक्सिस है कोई पॉइंट है, तो वो अगर यहां पर हुआ तो वो हमें चेक करना पड़ेगा इधर क्वाड्रेंट में है कि इधर क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन ही गलत है, वो पॉइंट ना वो कांस्टेंट वाला आ सकता है ना जीरो वाला, दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग ऑलरेडी,
तो बेटर है कि तब वो प्लेन के पैरेलल हम बात करते हैं, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन प्लस टू। ठीक है, कॉन्स्टेंट भी नहीं आप ले सकते, क्योंकि अगर आप कहते हैं कॉन्स्टेंट, अब वो कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया, ये एक्स है ये वाई है जेड इधर है। अब ये कह रही है कि मैम इस एक्सिस के पैरेलल एक पॉइंट, मैंने पहले ही कहा पॉइंट किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग। ओके चलू मैं, हाँ वो आगे होगा कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल पूछ सकता है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कोई पॉइंट, मतलब वो पॉइंट इधर को, अब फिर वही प्रॉब्लम, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि वो इधर वाले क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, तो वो कभी भी पॉइंट की हम बात डिस्कस नहीं करते। एक लाइन पैरेलल हो सकती है एक प्लेन के, दो प्लेन पैरेलल हो सकते हैं, दो लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, पॉइंट का कभी हम नहीं बात करते। ओके चलो बेटा आगे चलिए, मैं बता रही थी कि मेरे पास ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, हाँ अगर मेरे पास कहा है कि एनी पॉइंट इज इन एक्स वाई प्लेन, तो 100% उसमें जेड क्या है मिसिंग है, तो देन वी विल राइट एक्स कॉमा वाई कॉमा। ओके बात समझ आ गई बेटा, क्लियर टू एवरीवन। अब मेरे पास जितने भी क्वेश्चन है आपको वो भी सारा कुछ याद होना चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जो 10th में की थी, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू क्योंकि मुझे पता है सब वॉश आउट होगी होंगी, तो लेट अस। अच्छा मिड पॉइंट, एक पहले फॉर्मूला प्लीज प्लीज, मिड पॉइंट का फॉर्मूला मेरे पास हो गए एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, जेड वन प्लस जेड टू बाय। ओके जी, दो पॉइंट्स के बीच में मिड पॉइंट, इफ इट इज इन थ्री देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टीज बताने लगी हूं, अगर 3D में मुझे चेक करना है जो ट्रायंगल बनी है या हवा में ट्रायंगल बनाई, एक इधर एक कोऑर्डिनेट इधर है एक ऊपर, ये ट्रायंगल होगी, तो मुझे चेक करना है कि ये कैसी है, तो ट्रायंगल का आपको पता है इफ थ्री साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज, इफ टू साइड्स आर इक्वल, और अगर मेरे पास हो गए स्केलिन ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड बराबर नहीं, ऑलवेज चेक द राइट एंगल ट्रायंगल आल्सो, एसोसियलस में भी और स्केलिन में भी। कई बार अगर स्केलिन ट्रायंगल है, स्केलिन मतलब थ्री साइड्स आर डिफरेंट है ना, उसमें आपने पाइथागोरस चेक जरूर किया करो, नॉर्मली लिखा के स्केलिन ट्रायंगल, बट बेटा राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, तो हम प्रेफरेंस क्योंकि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम प्रेफरेंस देते हैं, जो बच्चा स्केलिंग लिखेगा हम नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तभी मैं कह रही हूँ आइसोसेलेस आए या स्केलिन आए तू जरूर चेक करा करो, पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं इम्प्लीमेंट हो रही, आइसोसेलेस में भी हो सकती है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी तो हो सकती है, टू साइड्स इक्वल लास्ट साइड इक्वल नहीं, ठीक है तो जरूर चेक करना, ये अपने पास नोट लिख लीजिए, नॉर्मली बच्चे चेक नहीं कर। ओके नाउ जो मेन प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेटर्स, हाँ जी बेटा आप कोऑर्डिनेटर में प्लीज प्लीज बेटा, सबसे पहले आपको पता है कोऑर्डिनेटर फोर साइडेड फिगर है। ओके हम इसमें क्या चेक करते हैं, साइड्स कैलकुलेट करते हैं, पहला स्टेप साइड्स कैलकुलेट की, मेरे पास सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, फर्दर अगर फोर साइड्स इक्वल है तो मेरे पास दो ही चीजें हो सकती है, एक स्क्वायर दूसरा बटा रोम्बस। ओके अब स्केयर का कब होगा, अगर डायगोनल भी इक्वल हो, अगर डायगोनल भी मतलब आपने ये फिगर बनाई इसके डायगोनल्स भी चेक करो, अगर डायगोनल्स इक्वल है, यहां लिख लीजिए डायगोनल्स
लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. अभी आपने सिर्फ यही देखा, ओके, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. ठीक है बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट. मेरे पास आज बताने लगी. अब यहाँ पर ऑपोजिट टू साइड इक्वल है तो दो ही चीजें हो सकती है, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. ओके बेटा, क्लियर? सबको बात समझ आ गई? डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, यानी साइड्स निकालने के बाद डायगोनल जरूर चेक करो. Only then you are able to come to. अच्छा, अगर मेरे पास हो गए स्ट्रेट लाइन की है ना अपने, हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो आपने की है वो 2D वाली स्ट्रेट लाइन की है. बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम हम पैरेलल चेक कर सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शन रेशियोज या स्लोप सेम है. सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगी, नॉर्मली बच्चों को समझ नहीं आती, स्ट्रेट लाइन प्लस वन में भी कर रही है, प्लस टू में भी कर रही है, वो 3D में भी कर रही है. अभी जितनी भी स्ट्रेट लाइन आपने चैप्टर पढ़ा है वो किसमें पढ़ा है? 2D. तभी आपने देखा जितनी भी इक्वेशन आ रही थी ना वो AX प्लस BY प्लस C जेड कोऑर्डिनेट था. दैट्स व्हाई यू हैव डन स्ट्रेट लाइन ओनली इन 2D. कोई स्पेस की बात नहीं होती, मतलब तभी हम स्ट्रेट लाइन को ऐसे वो ड्रॉ कर रहे, लेकिन जब 3D में आएंगे ना हम स्ट्रेट लाइन को आपको बोलेंगे इमेजिन कीजिए तार घर पे बहुत सारी है ना, केबल की वायर जब आपके घर के आगे से निकलती है, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी वायर, वो 3D में है सारी. लेकिन अगर आप उसी वॉल वायर को वॉल के साथ अटैच कर देते तो किसमें चली गई? 2D. आप जितनी भी डील कर रहे हो वो इसके साथ कर रहे थे 2D के साथ. ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो सारा किसमें है? 3D. मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, ट्रायंगल की विड्थ कोई नहीं होती, हम कोई विड्थ नहीं इमेजिन करते, बट बना हम 3D में रहे तो उसको कोई डिवाइड या वो नहीं ट्रीट करते. आप इमेजिन कीजिए पॉइंट हवा में, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इसको ज्वाइन किया है तो ये 3D में है ना, बॉल के साथ तो नहीं अटैच हुआ है ना, यानी इस पॉइंट को नोन मेरे को पता होने के लिए व्हाट शुड आई डू, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, मुझे वाई भी चाहिए, मुझे हाइट भी चाहिए जेड, इस पॉइंट को ढूंढने. लेकिन यही अगर मेरे पास मुझे जेड की जरूरत ही नहीं थी, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने की है 10th में, स्ट्रेट लाइन भी 2D में की है. 2D का मतलब आप एक पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे हो, आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट XY प्लेन और यू आर टॉकिंग अबाउट YZ प्लेन और यू आर टॉकिंग अबाउट ZX प्लेन. हवा में कोई नहीं बात कर, वो जो एयर में बात करनी है हमें स्ट्रेट लाइन की ना, वो सारी कब करेंगे? प्लस 2D. एयर मेरी बात सबको, अब सारे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे टुमारो, इस पर बेस हमारा कॉन्सेप्ट सारा कवर होगा. ओके, क्लियर?